ठीक है देखो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन, साइन थीटा माइनस क्यूब थीटा अपॉन को टू कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू क्या लाना है टेन थीटा। ठीक है 2018 में कितने मार्क्स आए हैं और इसमें चार ही स्टेप है, क्वेश्चन की खासियत देखो चार स्टेप चार मार्क्स और बहुत आसान हो रही है, समझ में नहीं आएगा कि स्टार्टिंग कहां से ली क्योंकि क्यूब है, क्यूब देखते ही वैसे डर जाते हैं। हमें आंसर में क्या लाना है टेन, और टेन क्या होता है एंगल में, एंगल में साइड ऑफ पी अपॉन बी में, एंगल में क्या होता है साइड टेन किसके बराबर होता है साइन अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, मतलब मुझे ऊपर क्या चाहिए साइन थीटा और नीचे कॉस थीटा, ऊपर में कुछ कॉमन आ रहा है साइन थीटा, क्या आ गया साइन थीटा, तो ये अंदर क्या बचेगा वन माइनस वन माइनस टू साइन स्क्वायर टू साइन स्क्वायर थीटा थीटा, और नीचे क्या आ रहा है कॉमन कॉस थीटा कॉस थीटा, क्या बचेगा टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन आ गया, ये दोनों मिलके क्या हो गए टेन थीटा, मतलब आंसर तो हमारा आ गया। इसको भगाना है, कैसे भगाएंगे देखो ध्यान से, तो यहां तो आंसर हमारा एक लाइन हो गई, दूसरी लाइन देखो आंसर मिल गया हमारा टेन थीटा। मैंने हमेशा बताया था कि जब भी ट्रिग्नोमेट्री में कहीं पे वन दिखे तो क्या लिखेंगे cos sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, लिखो यहाँ पे तो क्या लिखूंगा sin स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और ये वन की जगह लिखा है फिर क्या लिखूंगा माइनस टू माइनस टू sin स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा। ठीक है सेम सिमिलर वे में नीचे देखो टू टू cos cos स्क्वायर थीटा माइनस ब्रैकेट लगाएंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहां तक कोई दिक्कत ना सर। अब टेन थीटा सही रहा, कितनी लाइन हुई एक दो तीसरी और चौथी लाइन में आंसर आ जाएगा, देखो इसी लाइन में आंसर आ जाएगा, चौथी लाइन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इसमें से ये माइनस हुआ इसमें से तो कितना बचेगा सर माइनस माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा है, तो क्या हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, यहां तक समझ में आया क्लियर है। अब इस माइनस को मैं क्या करूंगा अंदर मल्टीप्लाई अंदर, तो ये कितना ये क्या हो जाएगा माइनस और ये भी माइनस, आ गया समझ में यस सर। दो क्या बचेगा देख के बता कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ठीक माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कितनी लाइन है तीन और कितने मार्क्स है चार, सिर्फ आपके फंडामेंटल चेक करता है बोर्ड, ये नहीं कि भाई 20 लाइन लिखो 25 लाइन लिखो, आई बात समझ में, जिस समय ये क्वेश्चन आया था मैक्सिमम बच्चों को स्ट्राइक ही नहीं हुआ कि स्टार्टिंग कहां से लू, क्यों क्यूब देख के डर गए, लेकिन फंडा क्या है बेसिक कि टेन क्या होता है साइन अपॉन कॉस, तो यहाँ पे ऊपर से साइन चाहिए और नीचे से कॉमन ले लो, बस आपकी नॉलेज यूज करवाइए एग्जाम में, आया समय में तीन लाइन का मुझे 2 मिनट लगेंगे एग्जाम में, अगर बच्चा स्मार्ट हुआ बहुत तगड़ा इंटेलिजेंट 2 मिनट में कर देगा, 2 मिनट भी नहीं लगने 1 मिनट में कर देगा तुरंत सोच के, समझ में आया, अच्छे से नोट डाउन करो लिखो अगला करते हैं तब तक।